आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। रीजनिंग में ये सवाल आ जाता है, पूछ देता है कभी कभी। तो सबसे पहले आपको मंथ का कोड याद करना पड़ेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 144, 025, 036 और 146। याद करने का तरीका देख लीजिए। 12 का स्क्वायर 144 स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर ट्रिक थोड़ा याद कर लीजिए 025, और 6 का स्क्वायर 036, और लास्ट में 12² + 2 146 याद रखेंगे ऐसे। और एक बात और ध्यान रखने वाला, अगर कोई लीप ईयर का क्वेश्चन आ रहा है तो लीप ईयर में बस जनवरी और फरवरी का कोड बदलेगा। लीप ईयर्स में जनवरी का कोड -1 हो जाएगा, कम हो जाएगा 1, मतलब 1 से 0 हो जाएगा, और फरवरी में 4 का 3 हो जाएगा। अभी डे का कोड संडे से स्टार्ट होगा सैटरडे तक, संडे 1, मंडे 2, ऐसे करके सैटरडे में 7 तक जाएगा। और सैटरडे को 7 के बजाय 0 ले सकते हैं, क्योंकि 7 से डिवाइड करने पे फिर रिमाइंडर 0 ही आएगा। कंट्री कोड में बेस ईयर मान ले एक 1900 का 0। अब आगे जिस जैसे जैसे भी बढ़ते जाएंगे इसी पेयर में बढ़ेंगे, जैसे 1900 का 6 है, 2000 का 1900 का 0 है, 2000 का 6 हो जाएगा, 2100 का 4, 2200 का 2, फिर से ऐसे ही 2300 का 0, 2400 का 6, 2500 का 4, 2600 का 2 और 2700 का 0, इसी तरह ऊपर पेयर में 0642, 0642 का पेयर में जाता रहेगा। तो एक दो ईयर आप याद कर लें, उसी से आपका ऊपर नीचे का काम हो जाएगा, आप इसी तरह बना सकते हैं। अभी एग्जांपल से समझते हैं। कोई सा भी डेट पिक कर लिया मैंने, 18 सितंबर 1997। कैसे इसको एलोबरेट करना है, डेट 18 है तो 18 डेट पहले डाल दिया मैंने, सितंबर का कोड 6, देखिए सितंबर का कोड 6 है, याद करने का तरीका तीन तीन के पैर में याद कर लेंगे, सितंबर का कोड 6 है। अभी लास्ट 2 जीट देखना है, ईयर का लास्ट 2 जीट 97 है तो 97 लेना है, और फिर 97 में कितने लीप वर्ड्स आएंगे तो उस हिसाब से आप 4 से डिवाइड करके देख रहे हैं कितने लीप वर्ड्स आ रहे हैं, 24 लीप वर्ड्स आ रहे हैं इसमें, तो 24 को लेंगे, प्लस ईयर का सेंचुरी का कोड कितना है, सेंचुरी का कोड देख लेंगे, 1900 का 0 होता है तो 0 ले लिया मैंने। अभी सभी को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर उसका लिखना है, टोटल ऐड कर देंगे 145 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर 5 आ गया। 5 कौन सा दिन का कोड है आप देख लेंगे, संडे से स्टार्ट होता है, थर्सडे को 5 का 5 कोड है, 5 कोड थर्सडे का है, इसलिए थर्सडे आंसर। अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 20 दिसंबर 2012, डे 20, दिसंबर का कोड 6 होता है, डिजिट देखना, 12 लिख दिया मैंने, और 12 में कितने लीप वर्ड्स हैं तो 4 से डिवाइड करके देख लिया, 3 लीप वर्ड्स हैं, और प्लस कंट्री ये सेंचुरी कोड कितना हो गया 6, तो 6/7। अभी सबको ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिमाइंडर देखेंगे हम लोग, 20 में 7 से डिवाइड करेंगे कितने रिमाइंडर होंगे 6, अभी इसका 6, और 12 में 7 से डिवाइड किया तो 5 रिमाइंडर प्लस 3 प्लस 6, टोटल 26, 26 में 7 से डिवाइड किया 5 रिमाइंडर, रिमाइंडर 5 आया, 5 कौन सा दिन है तो 5 थर्सडे है, इसलिए इसका आंसर थर्सडे। आप गूगल भी कर सकते हैं 20 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन था, तो देखिए एग्जैक्ट थर्सडे था। अभी दूसरा देखते हैं, 27 सितंबर 2024, 27 सितंबर 27 ले लिया मैंने, सितंबर का कोड 6 ले लिया, 24 का 24 ले लिया, 24 में 4 से डिवाइड करके 6 लीपर्स ले लिए मैंने, और 2000 का कंट्री सेंचुरी कोड क्या है 6, तो 6 ले लिया मैंने। अभी डिवाइड करेंगे 7 से तो इसका 6 रिमाइंडर आएगा, प्लस 6 प्लस 24 में 7 से डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर आएगा, प्लस 6 प्लस 6 24 3 27 27 का 7 से डिवाइड करेंगे 6 रिमाइंडर आएगा, 6 कौन सा दिन आएगा, 6 आएगा फ्राइडे। अभी देख लीजिए लीप वर्ड्स के कुछ उदाहरण, लीप वर्ड जैसे आप मान लीजिए फरवरी आ गया, जनवरी फरवरी आ गया और वो लीप वर्ड्स में आ गया, तो इसका कोड सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड बदलेगा, तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 1+0 और फरवरी का कोड 3। अब कोड याद कर लीजिए अच्छे से, एक बार याद कर लीजिए भूलेंगे नहीं, बस इस तरीके से याद कीजिए, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 2,
144, 025, 036, 146। तो अभी लीप वर्ष के अनुसार 28 ले लिया मैंने। फरवरी का कोड क्या, वैसे तो फरवरी का कोड 4 होता है लेकिन लीप वर्ष है इसलिए इसका कोड 3 लिया मैंने। अभी 56 का 56 लिख दिया मैंने लास्ट टू डिजिट, और 56 को 4 से डिवाइड करके देखा तो 14 लीप वर्ष हुआ। 14 प्लस 2100 का कोड क्या हो गया, 4। 2100 का कोड क्या हो गया, 4 है, 4 लिखा मैंने। ये आपको याद हो जाएगा इजीली, बेस 1900 और 2000 का याद कर लें, उसके बाद आपको अपने आप ऑटोमेटिकली याद रहेगा। मैंने भी ऐसे ही याद किया हुआ है, 1900 का 0, 2000 का आगे बढ़ेंगे 6 4 2, फिर 0 6 4 2, ऊपर जाएंगे तो उल्टा हो घट जाएगा, 0 से 2 4 6 0 2 4 6 0, ऐसा चलता रहेगा। तो फिर बिल्ली पर से देख रहे थे हम लोग, तो 56 4 लिख दिया और सेंचुरी कोड 4 हो गया। अभी 7 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर, 28 को 7 से डिवाइड किया 0 रिमाइंडर, प्लस 3 प्लस 56 का डिवाइड किया 0 रिमाइंडर, 14 का 0 रिमाइंडर, 4। अभी 7/7 अभी 0 रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर किसका कोड है, सैटरडे का। वैसे 7 सैटरडे का कोड या 0 कुछ भी ले सकते हैं, तो देख लीजिए गूगल करके भी देख लीजिए आप एग्जैक्ट, देखिए यही आ गया सैटरडे। अभी 4 जनवरी 1876, 4 प्लस जनवरी का कोड 0 क्योंकि लीप वर्ष है, प्लस 76 प्लस 19 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर 3, 3 का ट्यूसडे हो गया। देख लीजिए गूगल करके एग्जैक्ट डेट सही आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। आप और भी एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, गूगल करके आप चेक कर सकते हैं कि क्या सही कर रहे हैं आप लोग, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। और एक मैं बोनस के तौर पर एक चीज़ और लिखना चाहता हूँ कि किसी भी सेंचुरी का